नमस्कार, कल्पनास फिटनेस सेली में आपका स्वागत है। मैं कल्पना राठौड़, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर थेरेपिस्ट, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। डायबिटीज़, शुगर की प्रॉब्लम या जिसे मधुमेह भी कहते हैं, यह एक बहुत ही कॉमन समस्या है, लेकिन आजकल यह समस्या डे बाय डे इतनी अधिक बढ़ती जा रही है। पहले के समय में तो ऐसा होता था अबव 50 यदि डायबिटीज़ है तो यह बोलते हैं कि एक उम्र के बाद तो भाई डायबिटीज़ होना यह तो एक बहुत ही कॉमन समस्या है। लेकिन अभी यंग जनरेशन और छोटे छोटे बच्चों में भी यह समस्या देखी जा रही है, क्योंकि हमारा जो खान पान और फिजिकल एक्टिविटीज़ जो कम होते जा रही है। अब डायबिटीज़ वाले सबसे पहले तो यह सोचते हैं, पता नहीं कौन सा फ्रूट हम खाएं या न खाएं। यह फ्रूट यदि हमने खा लिया, खाने से पहले ही वह सोचने लगते हैं कि कहीं हमारा शुगर लेवल ना बढ़ जाए, इसीलिए कुछ लोग तो उसे फ्रूट को अवॉइड ही कर देते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। शुगर वालों को, डायबिटीज़ वालों को फ्रूट खाना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि डायबिटीज़ है तो वह कॉन्स्टिपेशन से भी परेशान होते हैं, इसीलिए फाइबर जाना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। सबसे पहले जो मैं आपको फ्रूट्स बता दे रही हूँ, वह आप जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना अति आवश्यक है। वह तो आप देखेंगे, यह मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ऐसा नॉलेज होना वह भी लेना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि फ्रूट भी आप खाते रहें और जो डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट हैं उससे 100% आप बच जाएं। सबसे पहले जाम या अमरूद, क्योंकि यह फाइबर से रिच होता है और इसमें जो छोटे छोटे बीज होते हैं वह आपकी आंतों की सफाई करते हैं और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। दूसरा, आपको एप्पल ज़रूर लेना चाहिए। एक एप्पल 100 बीमारी को दूर करता है, यह तो सभी जानते हैं। वह हार्ट को मजबूती देता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल रखता है, तो एप्पल भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप नाशपाती खा सकते हैं, नाशपाती भी डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। पपीता खाइए, पपीते में भी भरपूर फाइबर होता है, पपीता भी फायदा ही करता है। और इसके साथ जामुन, जिसे कि डायबिटीज़ वालों के लिए सुपर फूड कह सकते हैं, छोटे छोटे काले काले जामुन देखने में तो कितने सुंदर और टेस्ट में वाह, क्या जामुन का टेस्ट होता है। यह भी सीजनल फ्रूट है, लेकिन सारा सीजन आपको प्रतिदिन 200 से 250 ग्राम जामुन का सेवन करना बहुत ही आवश्यक होता है। वह आपके पेट की सफाई के साथ साथ आपके डायबिटीज़ को भी कंट्रोल रखता है। इसके साथ आप संतरा खा सकते हैं। जिस सीज़न में आपको जो फल मिल रहा है उसे आप अवश्य खाइए। खट्टे मीठे, विटामिन सी से भरपूर, फाइबर तो इसमें भी होता है, मिनरल्स प्रोटीन्स जितनी हमें रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है। संतरे में बहुत अधिक विटामिन सी के कारण हमारी स्किन में ग्लो लाता है और सेल्स को जो कि डैमेज हो रहे हैं उसे रिकवर रखने की ताकत रखता है। यह संतरा यह भी सीजन में आपको इजीली मिल जाएगा। कीवी, स्ट्रॉबेरी, यह भी आप खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी भी कितनी सुंदर, खाने में भी टेस्टी। मैंने आपको जो यह 8 फ्रूट्स बताए, वह आप डायबिटीज़ में डेली आपको जो भी जिस सीज़न में जो फ्रूट मिल रहा है उसे आपको छोड़ना ही नहीं है। समझ लीजिए कि यह आपको खाना है, ताकि जो डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, सभी जानते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर कर देता है, हार्ट को कमज़ोर करता है, किडनी पर इफ़ेक्ट करता है। यह सारे जो प्रॉब्लम आएंगे यदि आप प्रतिदिन 200 से 250 ग्राम फ्रूट लेते रहेंगे, उससे सारे साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ही यदि स्ट्रांग हो गया तो बीमारी का तो आप सोच नहीं सकते, कैसे इजीली दूर होगी। डायबिटीज़ से होने वाली समस्या से बच जाएंगे, जो उसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं उसके लिए फ्रूट को खाना आपको अति आवश्यक है। यह छोटी सी जानकारी डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही अधिक हेल्प करेगी। और यदि आप फ्रूट नहीं ले रहे हैं इस घबराहट में कि पता नहीं शुगर लेवल बढ़ जाए, तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह जानकारी शेयर करिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें,
ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। लाइक, कमेंट और शेयर। फिर निभाना है इस जिम्मेदारी को। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ईश्वर कभी आपको डायबिटीज की समस्या से न उलझने दें। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।